हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओमसाई कुकिंग क्लासेस एंड दिस इज सीमा गवारे पाटिल फ्रॉम नासिक। नासिक में हम कुकिंग क्लासेस लेते हैं, लेकिन उसके साथ ऑल ओवर वर्ल्ड हम देते हैं 75 प्लस कुकिंग कोर्सेस, जिसमें हम वेज के साथ नॉन वेज भी सिखाते हैं। अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, या तो आप फ़ोन डायल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो और कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन क्लास करने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो खुद के कुकिंग क्लासेस, बन सकते हो शेफ या स्टार्ट कर सकते हो कोई फूड वेंचर। सो आज जो मैं डिश लेके आई हूँ आपके लिए, वो है दाल तड़का। बहुत सिंपल सी डिश है, ऐसी इंग्रेडिएंट से बनी है जो आपके घर में अभी भी अवेलेबल है, लेकिन जो मज़ा आता है ना दाल तड़का विद जीरा राइस, उसके कहने ही कुछ और है। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है, ताकि जो ढाबा का जो फ्लेवर है वो आप घर के किचन में ला सको। तो मैं आप स्टार्ट करती हूँ दाल तड़का। दाल उबलते वक्त जो आपको सामग्रियाँ लगेगी वो है तुअर की दाल आधा कप, मूंग दाल 2 टेबलस्पून, मसूर दाल 1 से 2 टेबलस्पून, कटा अदरक 1/2 टीस्पून, कटा लहसुन 1/2 टीस्पून, हरी मिर्च 1 से 2, हींग 1/8 टीस्पून, हल्दी 1/8 टीस्पून, नमक स्वाद के अनुसार। दाल पकते वक्त आपको लगने वाली सामग्रियां हैं तेल 2 टेबलस्पून, घी 2 टेबलस्पून, बारीक कटा प्याज 1, अदरक 1/2 इंच, लहसुन 1/2 टीस्पून, कटा टमाटर 1/4 कप, लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, किचन किंग मसाला 1 टीस्पून, नमक स्वाद के अनुसार, पानी, कटा धनिया। तड़के में लगने वाली सामग्रियां हैं तेल 2 टेबलस्पून, जीरा 1 टीस्पून, लाल मिर्च 2 से 3, हींग चुटकी, बटर 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। सबसे पहले आपको लगने वाली है अरहर की दाल। ये मैं सिर्फ आपको दाल दिखाने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा दिखाया है। सो आधा कप आपको लगेगी अरहर की दाल, उसके बाद 2 टेबलस्पून आपको लगेगी मूंग की दाल, और 1 से 2 टेबलस्पून आप लोगे मसूर की दाल। सो ये जो दो दालें हैं ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इसमें इस दाल में आपको जो अरहर की दाल है उसकी क्वांटिटी अच्छी खासी रखनी है। सो आपको करना क्या है, इन तीनों दालों को मिक्स करके अच्छे से वॉश कीजिए और आधा घंटा से पौन घंटा इसको भिगा के रखिए, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे आपको कुक करना है। सबसे पहले मैंने गैस को ऑन कर दिया है। आपको सब्जी की तरह इसमें बहुत तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं 1 टेबल स्पून सिर्फ डाल रही हूँ तेल। आप तेल ना डालोगे तो भी चलेगा, और मैं इसके साथ डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मैं घी इसके अंदर डाल रही हूँ। ओके, जब घी अच्छे से गर्म हो जाए, अच्छे से इसे गर्म होने दीजिए, फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक। ओके, घी तो मेरा ज़्यादा गर्म हो गया, मैंने गैस को बंद कर दिया, क्योंकि नहीं तो जल जाएगा लहसुन मेरा। सो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून लहसुन, इसके बाद 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक। ओके, और इसमें एक चीज़ याद रखना है, जो आप प्याज लोगे ना एकदम फाइन कट करके, एक मैं प्याज डाल रही हूँ। ये मैंने जो प्याज यूज़ किया है ये मीडियम साइज से थोड़ा सा बड़ा मैंने लिया है, और इसको आप क्या करोगे, अच्छे से गोल्डन कलर आने तक भून लोगे। सो अब मैं गैस को ऑन कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था मेरा घी। ओके, सो इसको मुझे हार्डली 2 से 3 मिनट लगने वाले हैं। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ओके, सो मैं इसको भूनने के बाद आपको दिखाती हूँ कि मुझे इसका परफेक्ट कलर कैसे चाहिए। ओके, आपको पता है पहले तो दाल तड़का नाम है, राइट? अब तड़का मतलब क्या, हम लोग जब दाल बनती है उसके ऊपर जो तड़का मारते हैं एंड में, उस तड़के की वजह से इस दाल का जो फ्लेवर एनहांस होता है, और जो हम लोग बोलते हैं ना कि मुंह में पानी आ रहा है, ये जो पानी आता है ना ये इसी तड़के की वजह से होता है। जो स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं जो तड़के में, जो रेड चिली का कलर आता है वो आई अपीलिंग होता है, और वो आपके सेलिवेट होने में मजबूर करता है वो फ्लेवर, जितने भी हम लोग स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। सो एक्चुअली ये साइंस है तड़के के पीछे, कि जब हम तड़का डालते हैं तो उससे अरोमा और आई अपीलिंग, ये दोनों चीज़ आती है। तो अब मेरा ये जो अनियन है ये ब्राउन हो चुका है,
मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर, एकदम फाइन चॉप करके आपको टमाटर डालना है। अब देखिए किसी भी डिश में ना कटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बोल रही हूँ कि फाइन चॉप, तो इसमें आपको एकदम बारीक कटा हुआ ही डालना है, तो वो उसका टेस्ट एनहांस करेगा। अगर मैंने यही मोटे मोटे प्याज के चंक्स डाल दिए तो इस दाल तड़के का फ्लेवर कुछ और हो जाएगा। सो ये चीज़ याद रखना है, चॉपिंग और जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ, टिप्स बता रही हूँ, वो सिर्फ आपको याद रखनी है। सो मैंने टमाटर डाल दिया है, मैं इसमें बहुत कम हाफ टी स्पून इतनी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। इसमें मैंने कश्मीरी मिर्ची यूज़ की है, ओके। इसके बाद मैं किचन किंग मसाला डाल रही हूँ 1 टीस्पून। और अब मैं जब तक ये टमाटर गल ना जाए तब तक इसे कुक करने वाली हूँ। ओके, सो मैं अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है मैंने, 1 चम्मच इतना पानी डाला होगा ताकि जो टमाटर है वो मेरे मुंह में ही ना आए, वो अच्छे से गल जाए। ओके, सिर्फ 2 मिनट मैं और इसे पकाने वाली हूँ, बस 2 मिनट। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। याद रखिए जब मैंने दाल को उबाला था उस वक्त भी मैंने इसमें नमक डाला था, और अब जो नमक डालूँगी तो मैं कम डालूँगी। उसके बाद जब मैं दाल डालूँगी जो बाकी बचा हुआ नमक है तब हम एडजस्ट कर लेंगे। सो इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। ओके, सो ये मेरा टमाटर अच्छे से गल गया है। अब हम डाल देंगे हमारी पकी हुई दाल। सो अब जो हमने दाल को कुक कर लिया था वो इसके अंदर जाएगी। सो अब तक हमारी जो दाल है वो पूरी बनी नहीं है, ये बस हमने फ्लेवर बस इसमें ऐड किए हैं, और जो मेन काम करने वाला है वो है तड़का। सो ये मैं पूरा इसके अंदर डाल देती हूँ। यहाँ मैं इसको और पतला करूँगी और इसमें हम डाल देंगे पानी। सो ये हमारी दाल अच्छे से उबल गई है। इसमें मैं 1 से 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ कटा धनिया। सो ये जो धनिया होता है ना, ये बहुत अच्छा कलर देता है दाल को, ग्रीन एंड येल्लो। सो ये सारी चीज़ें एक तो फ्लेवर देती है और आई अपीलिंग होती है। सो ये मेरा जो दाल है वो तो हो गई रेडी, लेकिन वो जो लास्ट टचअप रहता है दाल को वो हम करेंगे उसका तड़का। सो अब मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ घी तड़के के पैन में। ओके, अब ये मैं अच्छे से गर्म होने देती हूँ। घी अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें मैं डालूँगी जीरा 1/2 टीस्पून इतना। इसके बाद जाएगी लाल मिर्चियाँ 2 से 3। ओके, अब आप इधर क्या करोगे, गैस को बंद कर देना। ओके, क्योंकि हमें बहुत गर्म तेल नहीं चाहिए जब हम मिर्ची पाउडर डालें। इसमें मैं हींग डाल रही हूँ। अब जब ये आप कश्मीरी लाल मिर्च डालोगे ना, इससे वो कलर आता है। आपको बस डालना है, इसे मिक्स करना है और तुरंत डालना है दाल के ऊपर, नहीं तो आपकी जो मिर्ची है वो जल जाएगी। ओके, सो ये तड़का और दाल, ये आ गया परफेक्ट कलर हमारी दाल के ऊपर। सो हमारा ये तड़का हो गया है रेडी। अब हम इसे करेंगे डिश आउट।